दोस्तों, आज मैं रामानंद सागर द्वारा कृत रामायण सीरियल जब बनाई जा रही थी तब एक घटना घटी थी कि काग भिसुंडी के रोल के लिए स्वयं एक कौवा आ गया था। ये एक स्वाभाविक घटना घटित हुई थी शूटिंग के समय में। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय त्रिपाठी 10 इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत करते हैं। आइए आज मैं आपको 3 दशक पहले जो रामायण रामानंद सागर द्वारा टीवी सीरियल बनाया गया था उसमें काग भिसुंडी के बारे में जो रोचक जानकारी स्वयं रामानंद सागर ने अपनी बेटी को बताई थी कि जब रामायण सीरियल बनाया जा रहा था और मथुरा के वृंदावन स्टूडियो में ये घटना घटी, जब प्रभु श्री राम बालक के रूप में बैठे रोटी खा रहे और रो रहे थे उसी समय स्वयं एक कौवा आ गया। आइए सुनते हैं रामानंद सागर की बेटी के द्वारा बताई गई घटना के बारे में। अगर ये रोचक जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। वो जो कौवा बैठा था वो नीचे आया और धीरे 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 अपने आप, उसको पकड़ा नहीं गया था, अपने आप सेट पे आया। शूटिंग हुई और वो राम लल्लन के साथ वो खेल रहे थे एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। और पापा जी के आंख में पानी आ गए, वो ऊपर देखकर थैंक यू बोल रहे थे। फिर मैं जाकर उनसे मैं बात करी थी, मैंने कहा पापा जी मैंने देखा आप हाथ जोड़ के कौवे से बात करे, क्या हो गया आपको? तो बोला मैंने ऊपर देख के पहले राम जी को कहा कि मैं ये जो बना रहा हूँ मैं आपका पोस्टमैन हूँ, ये सीन आप मुझे करवा के दीजिए क्योंकि आपके हेल्प के बगैर होगा नहीं। और उतने में वहाँ पे एक कौवा आया, काकभुशंडी जी वहाँ पे आए, ये पापा जी के लब्स हैं, काकभुशंडी जी आए, उनको मैंने नमन किया और कहा हमारे सेट पर आइए और राम लल्लन के साथ आप खेलिए क्योंकि ये मेरी रिक्वायरमेंट है सीन की। और एक्चुअली ऐसे देखिए बोलते बोलते मेरे आँख भी भर आई हैं और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए हैं, आज भी वो बात ताज़ा है मेरे दिमाग में। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ इससे कि भगवान हमारे साथ है, वो सुनते हैं हमारी बात, सिर्फ दिल से उनको पुकारिए। जय श्री राम।